नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत दास। अपना YouTube चैनल श्रीकांत दास बल्ब में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों से कि राइट एंगल का बिना हम लोग राइट एंगल में कैसे मार्किंग करें, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ में बने रहिए। हम एक के बाद एक वीडियो डालते रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिना राइट एंगल का कैसे हम लोग राइट एंगल में मार्किंग कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, तो ये देखिए मैं यहाँ पर एक टेप ले लिया हूँ, एक राइट एंगल ले लिया हूँ, ये होता है राइट एंगल अपना। एक मैं राइट एंगल ले लिया हूँ और एक टेप ले लिया हूँ और एक सिलेडी ले लिया हूँ। तो दोस्तों हम आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा बैठ जाओ, फोकस करो। तो पहले ये तो राइट एंगल है, आप लोग सभी जानते हैं इसको। हम लोग बचपन में भी स्कूल में पढ़ा है, हमारा ज्यामिति बॉक्स में जो चंदा होता है ना, वो जो 90 डिग्री रहता है, वही है राइट एंगल, दूसरा कुछ नहीं है। तो हम बिना राइट एंगल का कैसे मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए पहले हमको एक फार्मूला तैयार करना पड़ेगा। वो फार्मूला कैसे तैयार करेंगे हम आपको बताएंगे। तो अभी हमारा वीडियो को गौर से सुनिएगा, जो आदमी मिस्टेक करेगा बाद में वो पछताएगा, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको राइट एंगल पे हम एक तो मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल पे मार्किंग किया। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन को हम बड़ा कर लेते हैं, ये लाइन को हम बड़ा कर लेंगे। ये देखिए हमारा राइट एंगल पे मार्किंग हो चुका है। अभी हम आपको एक फॉर्मूला कैसे तैयार करना है, आपको एक माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि हमको अगर छोटा में मार्किंग करना है, कहीं हमारे पास राइट एंगल नहीं है, तो आपको क्या करना है। जैसे यहाँ से हमने एक 200 का मार्किंग किया और यहाँ पर हमने 200 का मार्किंग कर दिया। अब देखना है इसका डायगोनल कितना आता है। देखिए यहाँ से मैं माप लेता हूँ, ये आ रहा है 285 mm। आपको 200 बाई 200 का जो डायगोनल आएगा वो आएगा 285 mm। इसका और भी बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन हम टेक्नीशियन आदमी हैं, हम उतना फार्मूला में क्यों जाएगा, हम सीधा सा सिंपल सा जो है वो हम आपको बताते हैं। तो ये हो गया आपको छोटे में 285 mm आएगा 200 बाई 200 का जब आप डायगोनल तैयार करोगे। तो उसका और एक तरीका मैं बताता हूँ आपको याद रखने का। समझो मैंने एक लाइन मार दिया, ये लाइन को हम मिटा देते हैं, ये लाइन को हमने मिटा दिया, इसको भी मिटा देता हूँ और ये भी मिटा देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे और अच्छा तरीके से हम कर सकते हैं। ये लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैं जो फॉर्मूला यूज करता हूँ वो आप लोग देखिए। ये हमारा हो गया पॉइंट, यहाँ से हम क्या करेगा 300 का एक मार्किंग करेंगे। ये 300 का मार्किंग करेंगे और एक क्या करेंगे, यहाँ से हम एक 400 का मार्किंग करेंगे, 400। आपको एक ऐसा 400 का मार्किंग कर लेना है। देखिए 300 मैंने यहाँ मार्किंग कर दिया और यहाँ से मैं यहाँ तक 400 का एक लाइन खींच दिया, सीधा सा लेके लाइन खींच दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से
इधर से पकड़ के 500 कहाँ आ रहा है देख लीजिए, 500 जहाँ आ रहा है ना वहाँ पर एक पॉइंट मारिए। ये 500 में जो हम लोग पॉइंट मारा है, इसको अगर मैं ये लाइन से मिला दूँ ना तो ये राइट एंगल में परफेक्ट आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये अभी पूरा परफेक्ट राइट एंगल में आ गया है। तो अभी आपको क्या याद रखना है, 300 400, उसका जो डायगोनल आएगा ऐसा डायगोनल जो आएगा यहाँ तक वो आएगा 500। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें आपको इजी रहेगा याद, माइंड में याद रखने के लिए इजी रहेगा। तो हमको क्या करना है, 300 का एक मार्किंग कर लेना है, 300 का एक, और इधर से एक 400 का लाइन मार्किंग करना है, और वहाँ से सीधा टेप लगाएंगे, यहाँ 500 मार्किंग कर देंगे, उस पॉइंट से डायरेक्ट लाइन खींच देंगे, वो हमारा बराबर डायगोनल में आ जाएगा। तो हम लोग टेक्नीशियन आदमी है, इसका और भी बहुत सारा फार्मूला है जो फार्मूला से निकल सकता है, वो इंजीनियर लोग निकाल सकता है, हम भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम उतना झमेला में नहीं पढ़ना चाहते हैं, सीधा सा सिंपल सा आपको ये मैं फार्मूला बता दिया हूँ। तो आप एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए 300, 400, 500 का, तो आपको बराबर डायगोनल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि और कुछ दिखाइए भाई, तो हम आपको दूसरा और वीडियो लेके आएंगे, हमको और इंटरेस्ट आएगा। हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बना देंगे। अगर मेरा जो स्टेप बाई स्टेप हम वीडियो डाल रहे हैं वो सारे वीडियो अगर देखेंगे ना, और भी हमारे थोड़ा बहुत वीडियो डाले हैं, और भी हम बहुत सारा वीडियो डालेंगे, तो आपको मिलता रहेगा। अगर सब आपको ध्यान से देखेंगे तो एक अच्छा आपको टेक्नीशियन बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो धन्यवाद, हमारे चैनल में बने रहिए, नमस्कार।